फ्लोरिडा की वेनिस खाड़ी में तूफान मिल्टन ने मचाई तबाही, सड़कों पर भरा कई फुट तक पानी, भयानक तस्वीरें सामने आई। फ्लोरिडा में तूफान के बीच पानी में फंसी बोट, भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। बोट को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिका के फ्लोरिडा में आया बवंडर, तेज तूफान की वजह से बिगड़े हालात, बवंडर की तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान मिल्टन ने दस्तक दे दी है, कई जगहों पर हल्की बारिश हुई, मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में बवंडर ने तबाही मचाई, तूफान की वजह से हुआ काफी नुकसान, तस्वीरें सामने आई। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान से बहुत नुकसान पहुंचा है, तेज तूफान के बीच बारिश हुई है, स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्यूबा में भी तूफान मिल्टन ने तबाही मचाई, राजधानी आपको बता दें समुद्र तटीय इलाके में सड़कों पर पानी भरा, तस्वीरें सामने आई। इजरायली सैनिकों का लेबनन पर ताबड़तोड़ हमला जारी, आईडीएफ का दावा, हिजबुल्ला के 500 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया गया है, कई आतंकवादियों का सफाया कर दिया गया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक की नबल्स में 4 आतंकियों को ढेर किया, मारे गए आतंकियों में से एक अलेक्सा ब्रिगेड का कमांडर बताया जा रहा है। इसराइल के हाइफा शहर के हदेरा में आतंकी हमला हुआ है, बाइक सवार आतंकी ने कई राहगीरों को चाकू मारा है, 6 लोग घायल हो गए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिजबुल्ला को लेकर इजरायली सेना का बड़ा दावा, हिजबुल्ला ने पिछले साल 12,000 से अधिक ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट दागे। इजरायली हमलों से तबाह लेबनान को तुर्की ने भेजी है मदद, 300 टन राहत सामग्री लेकर बेरूत एयरपोर्ट पर उतरा है प्लेन। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी कॉल पर मौजूद रही, करीब 50 मिनट की बातचीत में मिडिल ईस्ट के ताजा हालात पर चर्चा हुई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ, मोदी को बताया शक्तिशाली नेता, कहा मोदी मेरे दोस्त और अच्छे इंसान, उनके लाखों फैंस हैं। इटली की पीएम मेलोनी जॉर्जिया ने पाकिस्तानी मूल के एक इमाम को तत्काल देश छोड़ने का आदेश दिया है, आपको बता दें हमास का समर्थन करने पर बोलोगना इमाम जुल्फिकार खान को निष्कासित किया गया। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली दूत ने हिजबुल्ला से नागरिक समुदायों पर गोलीबारी बंद करने का आग्रह किया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यह बयान दिया गया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रमुख की चेतावनी, कहा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी पर प्रतिबंध लगाने का इजरायली कदम फिलिस्तीनियों को मिलने वाली सहायता को और बाधित कर सकता है। इसराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट का बड़ा बयान आया है, कहा ईरान पर हमला बहुत घातक होगा, वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुआ और कैसे हुआ। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सऊदी अरब का दौरा किया, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ने भव्य स्वागत किया, तस्वीरें सामने आई। उनका दिल बहुत बड़ा था। भारत का कोहिनूर रहा नहीं, एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। तो आज पूरा देश आहत है, जिस तरह की खबर आई है, रतन टाटा का पार्थिव शरीर अब साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। देश के जो नायक थे, एक तरह से कहें औद्योगिक जगत के नायक, उनका निधन हो गया है, लोग आज शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे। आज ही रतन टाटा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बतौर प्रतिनिधि अंतिम दर्शन के लिए शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ने रतन टाटा के निधन पर शोक जाहिर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाटा परिवार के नोएल टाटा से फोन पर बात भी की, श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई में रतन टाटा को नमन करने कुमार मंगलम बिरला और उनके समेत देश के तमाम उद्योगपति लगातार पहुंच रहे हैं, तो शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। औद्योगिक विकास का नायक इन्हें अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आप हर छोटी चीज को देखें भारत में, वो टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई है।
चाहे एविएशन सेक्टर की बात हो, चाहे इंफ्रा सेक्टर की बात हो, डेवलपमेंट की अगर कहानी हम कहें कि विकास की कहानी, टाटा की जो जीवनी है उसकी गाथा भारत के साथ जोड़ती है। रतन टाटा इसी तरह से हमेशा याद किए जाएंगे। एक दिन का राजकीय शोक महाराष्ट्र में घोषित किया गया है, झारखंड में भी घोषित किया गया है, तो पूरा देश आज औद्योगिक विकास के नायक को अलविदा कह रहा है। तो भारत ने एक अनमोल रत्न को खो दिया है, वही अनमोल रत्न जो हम सबको अलविदा कहकर चले गए हैं। लेकिन इसी पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे, जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई विश्व में, अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तत्पर रहते थे। कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने कोई उनसे अच्छे काम के लिए मदद मांगी हो और उन्होंने ना किया हो। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है पार्थिव शरीर को, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनके पार्थिव देह को रखा गया है, शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। करीब रात 11:24 पर यह खबर आई कि निधन हो गया है रतन टाटा का। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित थे और उम्र के लिहाज से उनको बीच में भर्ती भी कराया गया था, उसके बाद उस समय सही बताया गया था, लेकिन कल अचानक निधन की खबर आई है। रतन टाटा को अगर आप देखें, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों से जोड़कर देखें, तो हर वो चीज़ है जिसमें उनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है, चाहे एरोस्पेस की बात करें, इंफ्रा की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ तक कि फूड एंड बेवरेजेस की बात करें, जो आपके लाइफस्टाइल है उसको और बेहतर करने के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। इसके अलावा टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी उनका एक योगदान रहा है, ऑटोमेटिव फाइनेंस, आप नाम लेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी की हर जो चीज़ जुड़ी हुई है, जो आपको विकास का रास्ता दिखाते हुए भारत में दिखती है, उससे आपको रतन टाटा कहीं ना कहीं जुड़े हुए और एक तरह से दूरदर्शिता से देखते हुए विकसित भारत को नजर आएंगे। और यही वजह है कि पूरा देश आज अलविदा कह रहा है उस रतन को जिसे हमने खो दिया है। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कुछ कहा, कैसे सांत्वना अपनी व्यक्त की है, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम बिरला जी, कैसे याद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की शख्सियत जो है वो रतन टाटा जी की रही, पूरे देश में आज उन्हें हर कोई याद कर रहा है। निश्चित रूप से रतन टाटा जी का इस देश में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इस देश के आर्थिक सामाजिक जीवन में बदलाव किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कैसा नेतृत्व दिया आर्थिक जगत में जो नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उसके साथ सामाजिक जीवन में बदलाव करना, लोगों के जीवन में सामाजिक रूप से कैसे उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है, विशेष रूप से उनके कैंसर के प्रति उनकी जो सोच थी, और उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट खड़े किए जगह जगह देश में जहाँ पर, और उनके नए इनोवेशन किए, उनके हमेशा हर काम अद्भुत रहे और भारत की आर्थिक प्रगति में, भारत की सामाजिक योगदान में, और उनका नेतृत्व जो है वो हमेशा नई पीढ़ी को योगदान देता है। इसलिए व्यक्ति जब नहीं रहता तो उनके विचार, उनके कार्य आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। रतन टाटा जी की शख्सियत ही ऐसी थी, अद्भुत विलक्षण क्षमता और नेतृत्व क्षमता हमेशा देश को प्रेरणा देती रहेगी। जी, जिस तरीके से रतन टाटा का जीवन रहा है, मुझे लगता है कि जो भी युवक उद्योग जगत से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए वो मिसाल रहेगा, और मॉडर्न इंडिया के पाथ को रीडिफाइन करने का काम उन्होंने किया है। निश्चित रूप से नौजवानों को नए स्टार्टअप में जिस तरीके से नौजवानों को प्रेरित करते थे, उन्होंने कई नौजवान समूह को स्टार्टअप, नई योजनाएं, नई पॉलिसी, और उसके साथ उन्होंने सर्विस सेक्टर के अंदर बड़ा बदलाव किया।
उन्होंने हर सेक्टर के अंदर बदलाव करकर उसका नेतृत्व किया और देश में नहीं पूरी विश्व के अंदर उनकी ख्याति है। हम ये सोचते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में नहीं सामाजिक जीवन में भी उनके बदलाव सहजता सरलता दयालुता उनके विलक्षण थे जो बरसों तक लोगों को याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया ओम बिरला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप यहाँ पर सुन रहे थे जो अपनी शोक जो है उन्होंने व्यक्त किया है रतन टाटा जी के निधन पर। तो भारत ने महारत्न को खो दिया है। आपको बता दें रतन टाटा जो है प्रोलॉन्ग्ड इलनेस यानी कि लंबे समय से ग्रसित एक बीमारी से लगातार चल रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। अभी हाल ही में इस हफ्ते की अगर सोमवार की बात करें तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जिस पर खुद उन्होंने एक पोस्ट जारी कर सोशल मीडिया पर कहा था कि वो अपने रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कल देर रात यानी कि बुधवार की देर रात जो खबर आती है वो हर किसी को चौंका देती है और हैरान कर देती है। 86 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में। आपको बता दें रतन टाटा ने कभी भी कोई शादी नहीं की, इसके अलावा 4 बार उनके जीवन में मौके ऐसे आए लेकिन शादी के बंधन में नहीं बंधे। अपने परिवार में अपनी बहन अपने भाई और उनके बच्चों के साथ उन्होंने जीवन बिताया और हमेशा एक टीम स्पिरिट उनकी एटीट्यूड में रही।